हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एलिमेंट एडुटेक आपके अपने चैनल पर। और आप देख रहे हैं एलिमेंट एडुटेक चैनल पर आज की ये लाइव क्लास, जो कि मोल कंसेप्ट चैप्टर की, यानी कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर की स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली जो क्लास चली थी 7 जून को, उस क्लास में आपने पढ़ा था मॉस टू मॉस रिलेशन, और अब जो आज पढ़ेंगे इसमें टॉपिक आप लोग बेटा, ये ड्रॉपर्स के लिए प्लाज्मा बैच जो चल रहा है, इसमें आज आप 9 तारीख को आज की इस क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक मॉस टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जितने भी होते हैं आज वो आपको हम सिखा देने वाले हैं। और इसके बाद में जो अगली क्लासेस हमारी चलेंगी उनमें से आपको सारी क्लासेस में देखने को मिलेंगे PYQs ऑफ नीट, और साथ साथ में आपको मिलेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मोल कंसेप्ट के आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। लास्ट में एक आध लेक्चर जो है हम एक अलग से जो है और देंगे आपको, इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एम्पिरिकल फॉर्मूला की क्लास दे देंगे। तो आज की अपनी ये क्लास शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसको बहुत ही वेल जो है ठीक है डिजाइंड तरीके से हम जो है खत्म करेंगे, ताकि जो है ये आपको मार्क्स पूरे के पूरे दिला करके जाए। आप जानते हैं मोल कंसेप्ट जैसा भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, ये एग्जामिनेशन में नीट हो चाहे जेई मेन हो, सब में ये आता ही आता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा इसकी। बहुत ही जबरदस्त ये है आज की क्लास चलने वाली है, और आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक करिएगा अगर पसंद आता है तो, शेयर भी करना मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी इस क्लास की। ये क्लास हमारी जो है आज मोल कंसेप्ट की स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की है, जिसमें आप सबसे पहले मॉस टू वॉल्यूम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, देखिए तो ये हमारी जो क्लास है बेटा, इस क्लास में आप पढ़ेंगे बेटा मॉस टू वॉल्यूम रिलेशन। मॉस टू वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है ये आपको स्टडी कराई जाएगी बेटा। इसका क्वेश्चन कैसा आता है बात को समझिएगा। जैसे लाइक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है जिसमें कि नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन गैस के साथ, और सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज टू बी फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को कैसे कहा गया, मान लेते हैं क्वेश्चन को इस तरीके से कहा गया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 10 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। ठीक, डाई नाइट्रोजन गैस के 10 ग्राम के साथ कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का लगेगा। ठीक है, साथ साथ में पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म इन द गिवेन रिएक्शन। जैसे ये सवाल दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन में करते कैसे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से आपको बात को समझना है। दरअसल आपको करना है क्या इस क्वेश्चन में, ध्यान समझिएगा। आप सबसे पहले इक्वेशन लिख दीजिए जो एज इट इज गिवेन है, यानी कि जो इक्वेशन लिखा होता है उसको आपने लिखा। अब इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिसका वॉल्यूम पूछा गया है, जिसका की वॉल्यूम पूछा गया है, उसके ठीक नीचे आपको एक खास बात लिखनी है। वो क्या लिखनी है बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे आप जानते हैं कि 2 मोल है, तो 2 मोल यानी 1 मोल एट एनटीपी, ठीक है, या एसटीपी जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, ये 22.4 लीटर होता है बेटा 1 मोल गैस के लिए, याद रखना है। तो अगर 2 वॉल्यूम है तो 2 × 22.4 लीटर ये बनना है। अच्छा, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 × 22.4 लीटर। ठीक है, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है क्वेश्चन को, हमको बहुत शॉर्टकट में करना है। अब नाइट्रोजन का हम मॉस लिख लेंगे। ठीक, अब इसका हमको मॉस लिखना है, इसका हमें मॉस लिखना है, और इसका मॉस कितना लेने वाले हैं ध्यान से देखिएगा, 28 ग्राम। बच्चों 28 ग्राम के साथ आप देख रहे हैं कि इतने वॉल्यूम ये चाहिए, इतने वॉल्यूम ये बनेगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बड़े आराम से। कि अगर इसने क्वेश्चन में दिया कितने ग्राम दिया, 10 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन दिया, तो हम इसको 10 लिखेंगे। अच्छा, 10 कैसे बनेगा, 28 से 10 बनाया गया, तो किस चीज से मल्टीप्लाई करके 28 से 10 बनाया गया, ये बहुत ही मतलब बेस्ट मेथड है, इससे टाइम बहुत बचता है आपका। ठीक है, 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाए, तो लिखने का तरीका क्या है कि आप इसको लिख दीजिए 28 बाई 28, लिख दीजिए ऐसे लिख सकते हैं।
इसका मतलब आपने 28 को 10 बाई 28 से मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो अगर आपने 28 को 10 बाई 28 से मल्टीप्लाई दिया तो 3 इंटू 22.4 जो है उसको भी आप 10 बाई 28 से मल्टीप्लाई दे दीजिए, और इतने से ही आप 2 इंटू 22.4 को मल्टीप्लाई दे दीजिए, कितने से, 10 बाई 28 से। तो मेरे ख्याल से जो फैक्टर जिससे आप मल्टीप्लाई दे रहे हो, दिस फैक्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में आपको क्वेश्चन हो गया एकदम आराम से। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग, इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लेते यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, सपोज दैट यहाँ पे इन्होंने हमको क्वेश्चन दिया इस तरीके का कि ZN प्लस 2HCl, ठीक, और सॉरी यहाँ पे हमको डाइल्यूट लिखना होगा, ठीक है, डाइल्यूट, ठीक, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रही। और इन्होंने दिया कि जिंक क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे दे दिया जिंक क्लोराइड एक्वस प्लस H2 गैस। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा, ये क्या कहा इन्होंने हमसे, इन्होंने कहा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर एट STP इफ, अब आप ध्यान सुनिएगा, इफ 6.53 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद, ठीक है, डाइल्यूट HCl इनफ टू रिएक्ट कंप्लीटली विद जिंक, ठीक है, जितना जिंक दिया गया उसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, ठीक, पूरा जिंक रिएक्ट कर जाता है कंप्लीटली, कितना HCl दिया गया, यानी HCl अच्छा खासा दिया गया अमाउंट में, HCl की मात्रा कम नहीं है, ठीक है, डन। तो अब क्या करना है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, इस क्वेश्चन में भी आपको बस जिंक प्लस 2HCl लिखने के बाद में सिंपली आपको ZnCl2 लिखना है और H2 लिखना है। अब आप जानते हो कि H2 कितना बन रहा है, 1 मोल, तो 1 मोल बन रहा है, तो आपको पता हो गया कि 22.4 लीटर हो गया बेटा, ठीक, अच्छा। अब जिंक का मोलर मास सब जानते हो 65.3 होता है, ठीक है, इतना ग्राम। इसका शॉर्टकट क्या है, 63.5 होता है कॉपर का, तो 3 को इधर पहुंचा दीजिए, 5 को उधर पहुंचा दीजिए, ठीक है, तो वो जो है तुरंत बन जाएगा क्या, जिंक का मोलर मास। तो जिंक क्या 65.3 है, वो 22.4 है, तो अगर ये 6.53 दिया है, तो जाहिर सी बात है यार कि 65.3 डिवाइडेड बाय 65.3 कर दो, इसका मतलब ये हो गया कि आपने 65.3 को इतने से मल्टीप्लाई दिया है। वो तो बात अलग की है कि मैंने क्वेश्चन को जो दिया है उसके मुताबिक, ये चाहते तो आप सीधे सीधे 1/10 रख सकते थे, लेकिन वो हमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझाने के लिए सिर्फ है, इजीली कैलकुलेशन हो जाए इसलिए लिया था। तो अभी 22.4 को भी मल्टीप्लाई कितने देंगे बेटा, 6.53 डिवाइडेड बाय 65.3 से, तो यहां देखेंगे 10 टाइम कटेगा तो 2.24 लीटर आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन हो रहे हैं, देख रहे हैं आप बहुत आराम से, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन एक और देखते, एक तीसरा क्वेश्चन और देखते, ठीक है। अब की यहां पे ये कहा गया कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, ठीक, जब ये डिकम्पोज होती है, ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन दिया गया, तो इससे डिकम्पोज होके, ठीक है, H2O बनता है लिक्विड और बनती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है, H2O। तो ध्यान से देखिएगा, अब इसमें इन्होंने कहा कि अगर H2O2, ठीक, इफ, ठीक है, इनफ मास ऑफ H2O2 decomposes to give 40 liters of dioxygen gas, इस बार प्रोडक्ट का वॉल्यूम दे दिया, डाइऑक्सीजन गैस एट STP, फाइंड द मास ऑफ H2O2 मस्ट बी गॉट डीकंपोज्ड, ठीक है, एंड फाइंड द मास ऑफ, ठीक, वाटर फॉर्म। अब अच्छा सवाल है, कुछ करना नहीं है, सिंपली क्या करना है, H2O2 लेना है एक्वस, इसी तरीके से H2O2 लिक्विड
प्लस हाफ ओ टू गैस। अब हाफ ओ टू है, एक मोल होता तो 22.4 लीटर, हाफ इंटू 22.4 लीटर, ठीक है, ये इतना लीटर होता है तो वाटर 18 ग्राम बनता है, मतलब 18 ग्राम साथ में बनता है। और H2O2 कितना, देखिए H2 दो H और ये 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 34, तो 34 ग्राम, 34 ग्राम से ये इतने लीटर। थोड़ा सा आपको रिवर्स तरफ चलना है, उधर से इधर आना है, इधर से उधर नहीं जाना, ठीक। आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये 40 लीटर दिया है, तो जब ये जब इतना दिया हुआ था, यानी कहने का मतलब अगर देखें तो ये 11.2 लीटर, तो 11.2 लीटर जब था तो ये इतने ग्राम से बना था। अब अगर ये कह रहा है कि ये 40 लीटर है तो कुछ नहीं करना है बेटा, 40 लीटर है, इसको आप क्या करिए 11.2 डिवाइडेड बाय 11.2 लिख दीजिए, लिख सकते हैं, इसका मतलब 11.2 को आपने 40 बाई 11.2 से डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई किया, तो इतने से ही आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 बाई 11.2, इतने से ही आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 बाई 11.2, तो ये आपका आंसर आ जाएंगे, एग्जैक्टली आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे मोल से निकाल लो, लेकिन ये मॉस बाई वॉल्यूम, मॉस टू वॉल्यूम जो रिलेशन है, मॉस टू वॉल्यूम जो रिलेशन है, उससे निकालने का बहुत आसान तरीका है। आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज करके भी यहाँ पे आंसर अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, देखिए कैसे करेंगे, आप इसको लिख लीजिएगा 34 मल्टीप्लाई 40, ठीक, जितना आया भाई उसको हमने फिर से डिवाइड कर दिया 11.2 से, तो आप देखोगे 121.42 ग्राम आ गया। और दूसरे वाला भी कैलकुलेशन मतलब कर देते हैं, लेट अस कैलकुलेट इट आल्सो, दूसरे वाला क्या है 18 × 40 है, जितना आया उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं कितने से, 11.2 से, तो 11.2 से हमने डिवाइड कर दिया, आंसर 64.285 आ गया, 64.285 ग्राम आ गया, ठीक है। अब चाहो तो आप इस क्वेश्चन में सीधे सीधे ऑक्सीजन का मॉस भी चाहो तो आप जो है निकाल सकते हो, एंड वाइस वर्सा, जितना भी आगे ले जाना चाहे क्वेश्चन को आप ले जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से बात बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी। तो मॉस वॉल्यूम के क्वेश्चन में बहुत केयरफुली आपको एक चीज याद रखनी है कि जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर होता है, ठीक, एक मोल का। अब जितने मोल होंगे उसके अकॉर्डिंगली चलते रहिएगा, तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी है। तो मॉस टू वॉल्यूम का एक आध क्वेश्चन और कराते हैं जो कभी नीट में आए हों या इस तरीके के, ठीक है, या कुछ उसके सिंपल काइंड के प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम कराते हैं, ठीक है। तो मॉस टू वॉल्यूम का कुछ क्वेश्चन कराते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, कंप्लीट कम्बशन ऑफ 3 ग्राम एथेन, ठीक है, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP विल बी, ठीक है। तो 3 ग्राम एथेन दिया है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, 3 ग्राम एथेन इज कंप्लीटली बर्न इन एयर, मतलब कि O2, ठीक है, एंड CO2 कॉमा वाटर आर फॉर, फाइंड द, ठीक, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड CO2 फॉर्म्ड एट STP, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया गया आपको, तो अब आपको यहां पे क्या करना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, आपको एथेन दिया तो इसका मतलब C2H6 लिखोगे। अब प्रोडक्ट में आपको मैंने तरीका पिछली क्लास जो हम लोग की उस दिन चली थी, ठीक है, 7 तारीख को, उस क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि जो कार्बन है उसके जितने नंबर ऑफ एटम है उतने नंबर ऑफ मोल यहाँ पे आप बना दीजिए किसके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जितने हाइड्रोजन के एटम आप देख रहे हो उसके आधे वाटर के मॉलिक्यूल बना दीजिए, मतलब 3 वाटर के मॉलिक्यूल बना दीजिए आप, 3H2O बना दीजिए, डन कर दिया आपने काम, क्लियर। अब बात को समझना ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, 3 ऑक्सीजन और 2 = 4, 7 ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन हम क्या करेंगे, 7 है तो मतलब 7/2 से मल्टीप्लाई दे दीजिए, डन, 7 है ना तो 7/2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा 7 आ जाएगा, ये करना है। अब जरा बेटा ध्यान से देखो, आपको क्या कहा उसने, कितने ग्राम एथेन है, 3 ग्राम। अब हम पहले स्टैंडर्ड लिख लेंगे, 12 × 2 = 24 होता है, 24 × 6 = 30 होता है, 30 ग्राम अगर है तो 30 ग्राम के साथ ये 7/2 × 22.4 लीटर चाहिए था, ठीक है, डन। अब ये कितना बनता, तो 2 × 22.4 कितना बनता, अब ये क्या बोला,
3 ग्राम, 3 ग्राम का मतलब इसको सीधे सीधे 10 से भाग दे दें, लेकिन वो नहीं करते, जो मतलब कुछ और भी देता तो 30 बाई 30 गुणे 3 कर दें, 3 ग्राम चाहिए था तो 3 को गुणा कर दे 30 बाई 30 से, इसका मतलब हमने क्या किया 30 को कितने से मल्टीप्लाई किया 3 बाई 30 से, तो इसमें 7 बाई 2। ये मैं तरीका मुझे पता है कि 10 से डिवाइड करने से 3 आ जाएगा, लेकिन वो मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि तो क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाएगा ना, लेकिन ये यूनिवर्सल चलता है ये वाला तरीका। जो चीज आपको देता है उसको मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर वाला जो भी मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से, तो अब ये क्या होगा, इसका मतलब आपको निकल के फैक्टर आ गया कि भाई मोलर मास जो यहाँ पे मोलर मास दिया था उसे आपने 3 बाई 30 से गुणा किया है, तो आप जाकर के आपका 3 आया है। अब सुनिए, इसको भी आप क्या करेंगे 3 बाई 30 से मल्टीप्लाई दे दीजिए, इसको भी आप क्या करिए 3 बाई 30 से आप मल्टीप्लाई दे दीजिए, तो मेरे ख्याल ये बहुत क्लियर आ गया ठीक। 22.4 गुणे 2 48 पॉइंट सॉरी ये होता है कितना, ये 44.8 × 1/10 यानी 4.48 लीटर इसके आ जाएंगे। इसके अगर आप देखोगे तो 2 से डिवाइड करिएगा 11.2 आ गया, तो 11.2 1/10 है तो 1.12 × 7 है, तो 7 × 2 = 14 आएगा, 7 × 7 = 8 आ जाएगा, और 7 × 7 = 7.84 लीटर आ जाएगा ठीक है। क्लियर है एकदम ठीक है, मेरे ख्याल से एकदम सही है ठीक है, कोई डाउट तो है नहीं इसमें, सही एकदम। और ये आपको पता है कि 3 ग्राम रिएक्शन कर रहा था, तो ये बहुत सवाल गजब का था, लाजवाब सवाल था। एक सवाल और देखते हैं, आइए एक सवाल और देखते हैं बच्चों। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर एक रिएक्शन इसमें 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करी नाइट्रोजन से तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना बनेगा एचटीपी पर ठीक ठीक है, तो कितना रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन 10 ग्राम रिएक्शन कर रहा है ठीक ठीक है, हाइड्रोजन सॉरी कर रहा है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन ठीक। एक क्वेश्चन है, इफ 10 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद ठीक है सर्टेन वॉल्यूम ऑफ N2 ठीक है, द NH3 गैस इज फॉर्म, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NH3 formed at STP and volume of, हमने सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया, volume of volume of N2 used at STP NTP इतना बोलते हैं कि वो N2 को भी NT हो गया ठीक है, कोई बात नहीं N2 NT नहीं होगा, N2 हमारा फेवर में रहेगा ना, NT क्यों होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना है, हम लोग जानते हैं कि N2 गैस रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा देखिए ये की पॉइंट है, आपको क्या करना है ना, इसमें एक बात ध्यान देना है, कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान देना है कि जो हमारा ये नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन बिल्कुल आपको ठीक याद रहना चाहिए कि हाँ ये क्या होगा ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब बिल्कुल ठीक इक्वेशन आपको बैलेंस पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अब आपको पता है कि ये 28 ग्राम अगर होगा, अच्छा इसका वॉल्यूम पूछा है ना, तो इसका वॉल्यूम पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 22.4 लीटर, और ये 3 × 2 = 6 ग्राम हो गया, और ये कितना है 2 × 22.4 लीटर हो गया ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, उसने कहा कि 10 ग्राम हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन उसने कहा कि 10 ग्राम, मैंने क्या कहा 10 कैसे बनेगा 6 से, इसको आप 6 बाई 6 से गुणा कर दीजिए ठीक, 6 बाई 6 से गुणा कर दीजिए, यानी कि इसका मतलब 6 में आपने 10 बाई 6 से गुणा किया हुआ है डन, तो अब आपको क्या करना है 22.4 में भी 10 बाई 6 से मल्टीप्लाई कर देना है ठीक, और इसमें 2 × 22.4 में भी ठीक आपको 10 बाई 6 से गुणा करके आंसर मिल जाएगा, बस यही करना है आपको, बहुत आसान है मेरे ख्याल से, इनफ प्रॉब्लम जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं अगर ठीक है पुराने ईयर में आए हुए या फिर प्रीवियस ईयर, या फिर आगे देखते हैं कि कोई अच्छा क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसको करवाते हैं ठीक है, एक आध क्वेश्चन भी और बढ़िया सा करवाते हैं मास टू वॉल्यूम रिलेशन का ठीक है, अच्छे क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। चलिए आइए करते हैं, क्लियर है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक अच्छा सा क्वेश्चन जो है मिल जाएगा शायद ठीक है, चलिए देखते हैं ठीक है
चलिए देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कैसे आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है तो देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जो भी हमारे सामने आएगा क्वेश्चन उसको हम लोग कर लेंगे आराम से। चलिए मैं इसमें क्या करता हूँ कि ठीक है मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और अपनी ओर से। ठीक है इसमें क्वेश्चन उतने नहीं हैं। ठीक है लेकिन इसका एक क्वेश्चन कर ही लीजिए आप। एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन अच्छा है। देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हटके है अलग सा। ठीक है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं, थोड़ा सा हटके है। क्योंकि ज्यादातर वॉल्यूम टू वॉल्यूम के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, मोस्ट वॉल्यूम कम आते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, इफ 1.6 ग्राम ऑफ SO2 एंड 1.5 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S ठीक आर मिक्सड एंड अलाउड टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट ठीक है इन अ क्लोज्ड वेसल अंटिल द रिएक्शन। अंटिल द रिएक्शन क्या कौन से रिएक्शन तक रखे गए? लिख रहा है कि 2H2S प्लस SO2, इससे सल्फर प्लस बनता है आपका 3S बन जाएगा और प्लस जो है 2H2। ठीक अच्छा क्वेश्चन है। प्रोसीड टू कॉम्प्लीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द स्टेटमेंट मेंशनड बिलो इज ट्रू? ठीक है पहला ऑप्शन ये देता है हमको ठीक है SO2 विल रिमेन इन एक्सेस। दूसरा देता है H2S विल रिमेन इन एक्सेस। ठीक है तीसरा देता है ओनली सल्फर एंड H2O रिमेन इन द रिएक्शन वेसल। तात्पर्य है यहां क्या समझ रहे होंगे आप तीसरे वाले का कि मतलब वो कंज्यूम हो गए पूरी तरीके से। मींस बोथ SO2 एंड H2S आर यूज्ड कंप्लीटली। इसका मतलब ये है और डी में दे दिया मान लीजिए कि बोथ ठीक है H2S एंड SO2 विल रिमेन इन एक्सेस। कुछ ऐसा दे दिया गया मतलब एकदम लॉजिकल सेंस से बाहर की चीज। आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन का आंसर ये वाला तो होना ही नहीं है। ठीक है क्योंकि ये क्वेश्चन में हमने बोल ही ऐसा दिया। लेकिन फिलहाल फिर भी इसको ये करते हैं। क्वेश्चन का मतलब कुल मिला के क्या है? इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग को ढूंढना है। लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं है तो कुल मिलाकर के देखिए क्या है कि ये मॉस है यहाँ पे H2S सल्फर डाइऑक्साइड का मॉस दिया हुआ है ठीक। और इसके जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं चाहो तो आप इस मॉलिक्यूल को देख करके इसके मोल बना लो। इसके जो मोल ही बनाने हैं आपको दरअसल एक मोल से इसको डिवाइड करना है। तो आप अब इसको क्वेश्चन को कैसे करोगे? इधर मैं करवाता हूँ। देखो आप यहाँ पे लिख दो 2H2S प्लस O2 इज गिविंग 3S प्लस 2H2। डन। आपको क्या पता कि सल्फर डाइऑक्साइड का वो बोलता है कि 1.6 ग्राम है ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड पहले लिखो, पहले आप स्टैंडर्ड लिखो जो मैं जैसे कराता हूं वैसे ही। सल्फर है, सल्फर 32 होता है, वो 32 64 ग्राम हो गया।
64 ग्राम, ये कितना दे रहा है 1.6, तो 1.6 का माने क्या हो गया कि 64/64 यानी 64 में कितने से हमने गुणा किया। तो H2S के कितने मोल होने चाहिए, दो मोल होते हैं, तो इंटू 1.6/64। अब सल्फर, सल्फर कितना होना चाहिए यहाँ पे 3 × 1.6/64 मोल, ठीक। अब वाटर कितना होना चाहिए 2 × 1.6/64 मोल, ये इतना इतना होना चाहिए, डन। अब अगर हम देखें तो ये तो तब होगा ना जब ये इतना अगर होगा, तो अब ये इतने मोल होना चाहिए, इतने मोल है क्या, ये जरा ये देखते हैं। अब ये है कितना चेक करते हैं, 1.5 × 10^22 दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने क्या किया 6.022 × 10^23 से डिवाइड मार दिया, ठीक। तो डिवाइड मारा, तो वैसे डिवाइड मारे जैसे हम लोग एग्जाम में मारते हैं डिवाइड, है ना, क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे सर ये एग्जाम वाला करिए उसी तरीके से करिए, तो लगभग 4 ही आ गया मान लेते हैं, ठीक है 4, लगभग 4 आ गया, और ये 10^23 ऊपर गया तो ये 10 हो जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, तो 2.5, ठीक। अब जरा इसको देखें तो ये कितना आ रहा है, जरा कट पिट करके इसको देख ले कि कितना रिक्वायर्ड था, उतना है ये कि नहीं, ये पहले पकड़ ले, ठीक है, क्लियर है। तो डेसिमल हटाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, 16 से 4 बार काटते हैं, कटते हैं इसको, और 2/40 आ गया, तो 2/, ठीक, मतलब 1/20 आ गया, तो 1/20 ये चाहिए, और है कितना भाई 2.45 मोल, 1/20 मोल चाहिए और है कितना 2.5 मोल है। अरे 2.5 मोल कहाँ है भाई, गलत है, कैलकुलेशन गलत किया है, ठीक, कैसे, क्योंकि इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या है 1.5 × 10^22 को जब हम लोग 6.022 × 10^23 से डिवाइड लेगा, 10 ऊपर कैसे चला जाएगा, वो तो वो नीचे ही रहेगा ना, तो ये आएगा लगभग 4, तो 1/40 ऐसा आ जाएगा, तो 1/40 और 1/20 वहां पर जो है वो ठीक चाहिए था, है ये 1/40, इसका मतलब ये कम है, बोलो 1/20 चाहिए था, 1/40 है यानी कम है, तो कम है तो इसके अकॉर्डिंग चलेगी रिएक्शन, यानी कि ये लिमिटिंग है, यानी कि ये लिमिटिंग है, लिमिटिंग है, तो इसका मतलब ये खर्च हो जाएगा पूरा। और SO2 को देखते हैं, ठीक, SO2 जो है अगर ये 1/40 है तो ये इसका आधा चाहिए, यानी कि 2 × 1/40 चाहिए, उसका आधा, ये दो है तो एक चाहिए, तो ये देखते हैं कितना, क्या ये 1/20 है, आइए देखते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल हटाएंगे, ये करेंगे 16 से 4 बार कटेगा, ठीक है, अब 40 आ गया ये नीचे, फिर इसको देखेंगे 4 से काटेंगे, तो 4 से 16 बार कटेगा, 4 से 10 बार कटेगा, ये तो 1.6 मोल है, ये ज्यादा है, ठीक, और था रिक्वायर्ड कितना है, ठीक है, रिक्वायर्ड कितना है 1/20 केवल, तो इसका मतलब SO2 विल रिमेन देयर, SO2 उसमें रहेगा। अब जरा देखिए, ये तो बनने ही बनने हैं, ये तो सल्फर और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, ऐसा तो नहीं कि सल्फर वाटर नहीं बनेगा, तो ये SO2 विल रिमेन। अब इसमें हम लोग देखें SO2 रिमेन एक्सेस, ठीक है, और H2S ये कंज्यूम हो जाएगा, ओनली एस एंड वाटर रिमेन इन द रिएक्शन वेसल, नहीं ये भी गलत है, ठीक है, बोथ H2S विल रिमेन, नहीं, ठीक, ये आ गया ना आपका आंसर, बस ऐसे करना है आपका आंसर, ठीक, ये क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दम था क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, करते एक, एक, एक और करते एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अपनी ओर से एक और आपको देता हूँ, वो आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन मोस्ट वॉल्यूम का एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसने कहा कि एजो आइसोप्रोपेन, अब सवाल में ही दम है पूरा, एजो आइसोप्रोपेन में ही तो दम है, ठीक है, ऑन डीकंपोजिशन गिव्स हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड डाइनाइट्रोजन गैस एज इन गिवन इक्वेशन, तो बच्चे खुश हो गए इक्वेशन तो दिया हुआ, चलिए ठीक है, जो आइसोप्रोपेन का फार्मूला चाहे याद है चाहे नहीं, इक्वेशन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ N2 एंड हेक्सेन फॉर्म्ड बाय 20 ग्राम ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। अब आई एजो आइसोप्रोपेन क्या होता है ये बताते हैं, एंड डबल बॉन्ड एंड कर देना, सिंगल बॉन्ड लगा के CH आइसोप्रोपेन इधर, आइसोप्रोपेन इधर कर देना, खत्म कर,
अच्छा ये चलेगा साइज 155, ठीक है। तो अब देखिए ये जब टूटेगी तो क्या बनेगी, ठीक है, प्रोपेन है, आइसोप्रोपेन है, क्या बना, हेक्सेन, तो C6H14, अब काउंट करो आप, ठीक है, C6H14, और साथ 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 में एक चीज और भी बनेगी, क्या बनेगी क्या बनेगी क्या बनेगी, आइसोप्रोपेन है ना, आइसोप्रोपेन, तो इसका मतलब यहाँ पे विद, ठीक, फाइंड द वैल्यू डाई नाइट्रोजन कॉमा, ठीक, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस भी इसमें बनेगा, ठीक, N2 बना, H2 बनेगा, अरे नहीं भाई कहाँ चलेंगे हम क्वेश्चन को लेकर के, क्वेश्चन के साथ कुछ और नहीं करना है भाई, गड़बड़ नहीं, C6H14 होना चाहिए, तो 14 होना चाहिए, 14 ही तो है भाई, हमारा भी दिमाग कहाँ चला गया, 3 3 6 7 इधर, 3 3 6 7 इधर है, प्लस N2, क्या कहते हैं बच्चों, समझ आ रहा है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, कभी कभार जो है मोबाइल भी हैंग कर जाता है तो ऐसे दिमाग हैंग कर जाता है कभी कभी, ठीक है, तो लगता है कि नहीं भाई ये 6 है और वहां पर 14 कहां से आ गया, 6 6 12 होता है, ऐसा लगता है कई बार, तो ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा लगता है, हमको ही लग रहा था कि एच कहां से ज्यादा आ गया, ये ज्यादा कहां से गया, ऐसा लग रहा था जो कि बराबर है एकदम, ठीक है। तो अब देखिए इसका मोलर मास कितना है, अब इसका मोलर मास हमको देखना है, इसका मोलर मास निकालने से अच्छा है कि उसका मोलर मास, उनके दोनों के मास जोड़ने से मोलर मास आ जाएगा, 28 उसका होता है और 12 × 6 = 72 और 14 कितना होता है, 86 होता है, ठीक है, ये और प्लस उसका 28, 8 6 14 8 2 10 11 114, तो 114 ग्राम जब था ये 114 ग्राम, तो बेटा ये 22.4 लीटर और ये भी 22.4 लीटर बनता है। अब ये क्या कर रहा है बेटा, ये कितना ग्राम है, कितना दिया भाई, 20 ग्राम, तो ये 20 ग्राम दिया, तो 20 ग्राम गुणे 114 बाई 114 ग्राम, इसका मतलब 114 को हमने कितने से गुणा किया हुआ है, ठीक है, 20 बाई 114 से, अब इसको भी इतने से कर दें, 22.4 गुणे 20 बाई 114, ठीक, इसको 22.4 गुणे 20 बाई 114, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम लोग, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में ये चीज आ गई है, तो अब हम लोग बात किया जाए वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन की, ठीक, तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन की बात करते हैं बेटा, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन, तो ध्यान देना इसमें कुछ है ही नहीं, जैसे नाइट्रोजन है 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अगर 2 मोल अमोनिया बनाता है, ठीक है, तो हमको यहां पे देखना है, 2-3 चीजें सिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत करती है, देखिए जो सीसी कभी यूज हो तो इसका मतलब ये होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, तो यानी कि ये बोलते हैं इसको ml को ही है ऐसा, ठीक, ये याद रखना, कभी कभार 1 लीटर बराबर, ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब, ये कई बार इस्तेमाल हो जाता है कई जगहों पर, तो ये सब चीज सावधान रहिएगा, ये सब चीजें क्या यूनिट होती है वॉल्यूम की, ये सब चीजें, तो जैसे इसमें क्वेश्चन कैसा देगा, ये क्वेश्चन देगा कि अगर ये 5 लीटर नाइट्रोजन है खर्च हो रहा है और ये 15 लीटर जो है हाइड्रोजन, तो कितने लीटर अमोनिया बनेगा, तो आपको दरअसल जो वॉल्यूम वाइज वॉल्यूम रिलेशन है ना, उसको बेटर होगा कि आप लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम जो गेलुसेक का है उससे लगा दो, ज्यादा बेटर है, वैसे कुछ है ही नहीं इसमें, तो बहुत आसान सवाल है ये, जब ये आप इसके नीचे अब आपको क्या करना है ना, आपको ऐसे लिखना है, अब आपको तरीका बता दो, पहले आप क्या लिखते थे, मॉस लिखते थे ना, अब मॉस नहीं लिखेगा, अब आप 1 वॉल्यूम लिखते, जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उतने वॉल्यूम लिख देना, जितने जितना स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उतने वॉल्यूम लिख देना, तो 1 वॉल्यूम लिखा, फिर आप क्या लिखोगे, 3 वॉल्यूम स्टैंडर्ड में, फिर कितना बनता है 2 वॉल्यूम, ऐसा, ठीक, अब जितने वॉल्यूम है एसटीपी पर बात करेगा, एसटीपी पर बात करेगा तो उसको 22.4 से गुणा मार देना, खत्म कहानी, तो बेटा ये बोल रहा 5 लीटर, तो 5 वॉल्यूम हो गया, 5 वॉल्यूम हो गया तो ये 3 वॉल्यूम उसका 3 गुना हो गया, यानी कि 15 वॉल्यूम, है ना बात क्लियर, 15 वॉल्यूम का मतलब 15 लीटर, ये 5 लीटर है तो 15 लीटर, तो फिर इसका मतलब ये कितना, ठीक, ये उसका दुगना, तो ये 10 वॉल्यूम, तो 10 वॉल्यूम का मतलब 10 लीटर, अगर ये इसका 15 वॉल्यूम अगर 15 लीटर है और ये 5 वॉल्यूम मतलब 5 लीटर है, तो यही ना होगा, ठीक है, क्या कहते हैं, डन, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, 4-5 मिनट का छोटा सा ब्रेक मारते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि 4-5 मिनट के अंदर हम आ जाएंगे, तो आप लोग जाएंगे नहीं कहीं भी, ठीक है।
क्लियर है? चलो 4-5 मिनट का छोटा सा एक ब्रेक मार लेते हैं।
तो वेलकम बैक बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एलिमेंट एडुटेक आपके अपने चैनल पर। और ये आपने वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन का बच्चा यहाँ पे सवाल अभी सीखा कि आखिरकार कैसे जो है करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन यार, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इसके हम लोग बात करते हैं जो पहले क्वेश्चन जो है कुछ आए हुए हैं या कुछ भी, ठीक है। तो क्वेश्चन एक करते हैं, एक आपके सामने क्वेश्चन में दे रहा हूँ इसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन का आपको दिया गया है एक ब्यूटेन गैस, ब्यूटेन सभी बच्चा जानता है C4H10 होता है। दूसरा आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कि जो ब्यूटेन है इसके ऑक्सीडेशन यानी कंबशन से इसका कंबशन होता है और इससे CO2 एंड वाटर बनते हैं, ठीक, R फॉर्म, ठीक है। ब्यूटेन, ठीक, अंडरगो कंबशन एंड गिव्स CO2 एंड वाटर, ठीक है, एंड CO2 एंड वाटर ये देता है, ठीक, काम की बात देखते हैं। अब ये कह रहा है कि कंप्लीट कंबशन करना है और कितनी ब्यूटेन का करना है, 1.14 लीटर। तो इससे जो है ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड H2O फॉर्म्ड एट STP बराबर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ा, ब्यूटेन को लिख लेना C4H10। अब वही तरीका मैंने बताया था पहले, 4 मोल ऑफ CO2 बना दो और 5 मोल ऑफ वाटर बना दो, 5 और यहां पे 8, 13, 13/2 ऑक्सीजन कर दो। अब देखो आप क्या देख रहे हो, यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि जब ये ब्यूटेन के 22.4 लीटर होंगे तो उस समय CO2 कितना वॉल्यूम बनेगा, 4 × 22.4 लीटर, ये 5 × 22, ठीक, 0.4 लीटर्स, ठीक है, क्योंकि वो भी वाटर, भी वाटर वेपर के फॉर्म में ही बनता है। पता ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ब्यूटेन LPG जलाते हैं तो पानी निकलने लगता है उसमें फवारा, तो ये गैस है, ठीक, ये भी गैस है, ठीक है, अच्छा वाटर वेपर के रूप में निकल जाता है, ठीक, क्लियर है, और ये गैस है और ये भी गैस है। तो अब इसने क्या कहा, ठीक है, 22.4 है और ये कितना दे रहा है यहाँ पे, 1.14 लीटर। तो अब सोचिए कि 1.14 बनाना है, 22.4 × 22.4 लिख दो, इसका मतलब 22.4 में आपने इतने से मल्टीप्लाई दिया, तो इसको भी आप ऐसे कर लो, 4 × 22.4 मल्टीप्लाई 1.14 × 22.4, आई थिंक सो ये कट जाएगा और आपका 4 से मल्टीप्लाई करके ये 4.56 लीटर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो 5 × 22.4 मल्टीप्लाई 1.14 × 22.4 ये कट गया, कट गया, तो यहां देखोगे आप तो 5.70 लीटर्स आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन आप जो है ऐसा ही, ठीक है, और देख लेंगे, ठीक है, वाटर का कितना आया, ठीक है, अच्छा ये 1. कितना मैंने दिया था आपको, 1.14 लीटर, एकदम सही था, करेक्ट। अगला एक सवाल और, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर उसके बाद में क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको ये क्वेश्चन करने आ गया। इसने कहा कि फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ, ज्यादातर कंबशन के क्वेश्चन में वॉल्यूम वॉल्यूम की प्रॉब्लम होती है, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ, ठीक है, 7 लीटर्स ऑफ, ठीक है, प्रोपेन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 would be required, ठीक है, at STP। प्रोपेन है तो C3H2 होगा, 3 CO2 बनेगा, 4 H2O बनेगा अपना, ठीक है, डन। अब यहां पे ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 6, 10 हो गया, तो 5O2 कर देना। अब ये पता है कि 22.4 लीटर होगा अपना, तो ऑक्सीजन 5 × 22.4 लीटर चाहिए थी, ये कितना बोल रहा है, 7 लीटर, तो 7 × 22.4 22.4 कर दो, इसका मतलब 22.4 में इतने से गुणा किया हमने, तो अब यहां 5 × 22.4 में भी 7 × 22.4 से गुणा कर दो, ये कर गया, कट गया, 7 × 5 = 35 लीटर आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है। तो ये था बच्चों आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम रिलेशन का प्रॉब्लम, ठीक। अब आज की अपनी ये क्लास यहाँ पे होती है खत्म, ठीक, आज की क्लास में इतना ही बढ़े होंगे बच्चों, और अब जो हमारी ये क्लास चलेगी नेक्स्ट, ठीक है, वो चलेगी
ठीक 12 तारीख को, और 12 तारीख को क्यों चलेगी, क्योंकि 11 तारीख को आपका होना है एक टेस्ट, मेजर टेस्ट होना है, ठीक है। तो ये मेजर टेस्ट आपका होना है 11 तारीख को, जिसमें कि जितना भी सिलेबस पढ़ाया जा चुका है उसका मेजर टेस्ट होगा, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट की जो अगली क्लास चलेगी हम लोग की, अब वो 12 तारीख को बेटा चलेगी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान से रखिएगा याद कि 12 तारीख को मोल कंसेप्ट की जो क्लास चलेगी उसमें आप पढ़ेंगे PYQs अपने, ठीक है। PYQs चलेंगे, और PYQs कहां से हम शुरू करेंगे बेटा, तो शुरुआत करेंगे हम लोग लास्ट की तरफ से, यानी कि कुल मिला के किस तरफ से शुरुआत करेंगे, 22, 21, 20, 19, ये लगभग 3-4 साल के एक साथ करेंगे। उसके फिर अगली क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे 2015 से लेकर लगभग 18 तक, और फिर लास्ट में 9 से लेकर 2015, और फिर लास्ट में फाइनल, ठीक, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के सारे एक तरफ से कर देंगे विद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड ऑल, ठीक है बेटा। तो अगर आपको बेटा क्लास जो है अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिएगा जरूर यार, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। हम आपको पहुंचाएंगे आपकी मंजिल तक, नीट यूजी 2024 में 180 में 180 केमिस्ट्री दिलाएंगे आपको, और इसी उम्मीद के साथ लगे रहते हैं हम लोग अपने मिशन पे, ये मिशन हमारा कामयाब होगा, बिल्कुल नीट का एग्जाम जो है 2024 का फोड़ेंगे आप, ये बिल्कुल गारंटी के साथ मैं बोलता हूं। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में हम लोग, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहिए, अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए। एलिमेंट एडुटेक को देखने के लिए थैंक्स, और मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच बेटा।